हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माच मिष्टी मोर। आज हम आपको दिखाएंगे ग्रेटर फरीदाबाद का बिगेस्ट दशहरा फेस्टिवल। जी हाँ, हमारे एक सोसाइटी के पास होता है बिगेस्ट दशहरा फेस्टिवल इन ग्रेटर फरीदाबाद। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और वीडियो को पूरा देखिए। ये देखिए, पुतले सज चुके हैं, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए हैं, और ये शाम को जलाया जाएगा और यहाँ पे रामलीला भी होगी। और चारों तरफ देखिए साफ़ सफाई हो रही है और स्टेज बन रहा है, और दशहरा फेस्टिवल मनाने के लिए लोग एकदम जो होते हैं वार मूड में आ गए हैं, क्योंकि शाम को होगा दशहरा। तो 4 बजे से लोग आना शुरू हो जाएंगे और कम से कम हज़ारों से ऊपर लोग आते हैं, लाइक 10 से 20 हज़ार लोग यहाँ पे होंगे, और आपको हम दिखाएंगे दशहरा फेस्टिवल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा बिगेस्ट दशहरा फेस्टिवल इन ग्रेटर फरीदाबाद। तो ये रावण का जो पुतला बना है ये 60 फुट ऊँचा है, आप देख पा रहे हैं, और ये 60 फुट ऊँचा पुतला एक दिन पहले ही बनाया गया है। बहुत मेहनत से लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, बनाते हैं और यहाँ पे दशहरा मनाते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, कल रात को यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे थे ताकि इसको पहरा दे सके, इसको कोई भी नुकसान ना हो इसके लिए, तो वो लोग सारे रात यहाँ पे पहरा दिए हैं, और शाम को हम इसीलिए एंजॉय कर पाएंगे दशहरा फेस्टिवल। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, शाम को हम आपका जो भी रावण दहन होगा और मेघनाथ, कुंभकर्ण सबके पुतले जलाए जाएंगे, और यहाँ पे आतिशबाजी भी होगी, प्रोग्राम भी होगा, रामलीला भी होगा। तो उसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए और जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरे साथ दशहरा फेस्टिवल, बिगेस्ट दशहरा फेस्टिवल इन ग्रेटर फरीदाबाद। सबको हैप्पी दशहरा और शुभ विजयादशमी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे साफ़ सफाई चल रही है, पूरे रोड पे वो पानी से धोया गया है ताकि लोग आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे साफ सफाई चल रही है, स्टेज बन रहा है और ये स्टेज पे होगा रामलीला, और यहाँ पे उद्घाटन भी करेंगे और फिर फेस्टिवल भी मनाया जाएगा। सबको चैनल की तरफ से हैप्पी दशहरा एंड शुभ विजयादशमी। दशहरा फेस्टिवल देखिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं कि जो सुबह आपको खाली खाली रास्ता दिखाया था वो सारे रास्ता अभी लोगों से भर गया है, हज़ारों के ऊपर लोग आ चुके हैं और भी लोग आएंगे, और यहाँ पे पटाखे भी फूट रहे हैं और पुतला आप देख रहे हैं ये जलाए जाएंगे, अभी और लोग होंगे, थोड़ा सा अंधेरा होगा तो इसको जलाया जाएगा रावण दहन। और यहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड बिठाए गए हैं और जगह जगह पे 2-3 स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि लोग भीड़ में ना चढ़े और लोग दशहरा फेस्टिवल आराम से देख पाए। और ये देखिए यहाँ पे पूरा एकदम छोटा सा मेला भी लग गया है और बहुत लोग भी आ गए हैं, और आज बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत की प्रतीक ये रावण दहन दशहरा मनाया जाता है। तो अभी दशहरा फेस्टिवल जब शुरू होगा तब हम आपको दिखाएंगे। यह है ग्रेटर फरीदाबाद का बिगेस्ट दशहरा फेस्टिवल। यहाँ पे जलाए जाते हैं 60 फुट ऊंचा रावण का पुतला, और 2016 से मनाया जा रहा है। आपको दिखाया जा रहा है हज़ारों के ऊपर लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और पीछे जहाँ तक देखे सिर्फ लोगों के सर नज़र आ रहे हैं।
पक्का बता रहा हूँ। दशहरा मैदान में आपकी आवाज जारी है सीधा लाइव। अच्छा सबको बताए रामायण क्यों मनाई जाती है, कैसे थे? हमारे विधायक राजेश सुनाकर जी है, जोरदार तालियों से स्वागत राजेश सुनाकर जी का। तो बच्चों की झांकी आ रही है रामलीला वाले। स्टेज पे अभी राम रावण का युद्ध हो रहा है। अभी राम रावण के युद्ध के बाद फिर रावण दहन होगा। अभी टाइम हो गया है रावण दहन का, तो अभी रावण दहन होने वाला है। बोलेंगे मेरे साथ जय श्री राम। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, हमने 8 विकास द्वार बनाए हुए हैं, जो आपके लिए पास हो वहाँ से शांति से जाएं। पहले कुंभकर्ण को आग लगाया जा चुका है। पहले मेघनाथ जी का पूजा चल रहा है। दूर दिख रहा है लगभग 20,000 से 30,000 लोग यहाँ पे हैं, और अभी रावण दहन हो चुका है।
देखा ग्रेटर फरीदाबाद का विशालतम दशहरा, द बिगेस्ट दशहरा फेस्टिवल ऑफ ग्रेटर फरीदाबाद, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि अगले साल और भी ज़्यादा लोग आए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और सबको शुभ विजय दशमी, हर हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर मच मिस्टी मोर। थैंक यू। दो